नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं JEE Mains रिजल्ट 2019 के। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि रिजल्ट 22 तारीख को आ रहा है, 23 तारीख को आ रहा है, 24 तारीख को आ रहा है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। कई वैसे ने बताया कि इसका रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं था। तो दोस्तों, आज इसका जो JEE Mains रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसका पहले डेट 30 अप्रैल हुआ था, बट कुछ कारणों के कारण इसका रिजल्ट आज ही आ गया था। लेकिन आज भी इसका रिजल्ट आने का टाइमिंग कुछ और था, लेकिन बहुत लेट आया। इसका रिजल्ट 8:30 के करीब आया। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि आपको आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है अपने एक ब्राउज़र में। मैं यहाँ पर UC ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपना UC ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पर मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप वो फॉलो कर सकते हैं एंड अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना UC ब्राउज़र खोलिए। एक मिनट दोस्तों, जैसे कि मैंने UC ब्राउज़र खोल लिया है एंड वहाँ पे आपको टाइप करना है JEE Mains एंड सर्च कर देना है। दोस्तों, सबसे पहला लिंक जो है JEE Mains, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट JEE Mains 2019। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। मैं अपने यहाँ एक दोस्त का डालता हूँ, मैं उसका आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको अपनी, उसके बाद एंड जो कैप्शन आता है नेक्स्ट नीचे, उसको आपको जो नीचे लिखा होता है वो डाल देना है। एंड सबमिट कर देना। तो दोस्तों, उसका रिजल्ट खुल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसको वो हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अपना रिजल्ट ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम लोग मेरिट लिस्ट की। तो दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट आई है 2019 अप्रैल की, तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंस कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश से, उनकी फर्स्ट रैंक बनी है। प्रदीप ता प्राक बोरा असम से हैं, इनकी सेकेंड रैंक है। एंड JEE Mains सब कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक कट ऑफ बहुत मेन चीज़ होती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं। जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए 89%, जैसा कि आप देख सकते हैं। OBC वाले 74, SC वाले 74 एंड ST 44, जैसा कि आप देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ 54 है, 74 नहीं SC की जगह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।